सैमसंग गैलेक्सी F63 5G, तो बेसिकली जो स्मार्टफोन आपको एक बहुत ही एक अंडर बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, इसकी जो प्राइस आपको 25,000 से भी कम देखने को मिलेगी। बट इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें, जो कि आपको कंफर्म देखने को मिल जाती है, बहुत ही एक अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ हमें ये जो स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो अगर आप एक प्लान करें बजट कैटेगरी में एक काफी अच्छा स्मार्टफोन बाय करने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले अगर बात करें स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साइज और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.6 इंचेस की एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज का पैनल विद फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो यहां पर आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट साइड में पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी आपको प्लास्टिक की देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी वाइज और डिस्प्ले वाइज, एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, एक काफी बजट कैटेगरी का हमें ये जो F63 देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन विद 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि स्मार्टफोन का एक बहुत ही एक अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है स्मार्टफोन का प्रोसेसर। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक से आने वाला मीडियाटेक डोमेस्टिक 980 सीरीज, जिसमें आपको 6GB रैम और एक 8GB रैम वेरिएंट देखने को मिलता है। तो अगर आप एक स्मार्टफोन में गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं, आप डिसेंट गेमिंग वगैरह अगर आप प्ले करना चाहते हैं, तो इस स्मार्टफोन में आप काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग की अगर हम बात करें तो आप 6GB रैम और 8GB रैम में काफी अच्छी मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वो है स्मार्टफोन का कैमरा। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जिसमें हमें 4K या 30fps की वीडियो रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो वो भी आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जिसमें हमें फुल HD या 30fps की वीडियो रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर बात करें तो बजट कैटेगरी में आपको बहुत ही एक अच्छा मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आप काफी अच्छी डिटेल लेविंग फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 5000mAh की लाल बैटरी लाइफ, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 25 वाट चार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिलेगी। सो ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि हमें कंफर्म सैमसंग गैलेक्सी F63 5G की देखने को मिल जाती है। तो क्या ये स्मार्टफोन की प्राइस देखने को मिलती है? सबसे पहले बात करें प्राइस की, तो ये जो स्मार्टफोन आपको 21-22,000 का देखने को मिल सकता है। लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो ये जो स्मार्टफोन आपको जुलाई के लास्ट वीक तक हमें देखने को सैमसंग की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म होने को देखने को मिल सकता है। तो क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या फिर आपको किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए? बेसिकली अगर बात करें तो 25,000 में एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। इसमें हमें 120 हर्ट्ज का पैनल भी देखने को मिल जाता है, फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, और कैमरा वाइज भी बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो अगर आप एक प्लान करें बजट कैटेगरी में एक काफी अच्छा और डेली से डेली यूज के लिए स्मार्टफोन अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। बट अगर आप इस स्मार्टफोन को गेमिंग वगैरह के लिए यूज करना चाहते हो, तो तब भी स्मार्टफोन को आप स्किप कर किसी और स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक डोमेस्टिक 980 सीरीज, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल हमें नहीं देखने को मिलती है। इसमें आपको डिसेंट गेमिंग लाइफ देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर आप एक स्मार्टफोन प्लान करें डेली यूज के लिए, कैमरा के लिए आपको चाहिए और बैटरी लाइफ के लिए चाहिए, तो आप डेफिनेटली स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप एक स्मार्टफोन में गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली स्मार्टफोन की तरफ स्किप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब के लिए गुड बाय।